हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार, यूवी कॉम्पिटिशंस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं लेकर हाजिर हूं डेली मॉर्निंग करंट जीके अपडेट्स इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में। आज 16 अक्टूबर 2018 वार मंगलवार। मेरे प्यारे साथियों, यूवी कॉम्पिटिशंस चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कॉम्पिटिशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे। मेरे प्यारे साथियों, यदि आप राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए अनअकैडमी पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी पर विवेक कुमार के नाम से मेरा अकाउंट है और अनअकैडमी पर मैं आपका एक एजुकेटर हूँ, तो अनअकैडमी पर मुझे फॉलो करें और राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने का मजा लें। इसके साथ ही करंट अपडेट्स, रिक्रूटमेंट नोटिस, इसके लिए आप यूवी कॉम्पिटिशंस जो कि इंस्टाग्राम पेज है वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल न्यूज राष्ट्रीय समाचारों की। अश्विनी कुमार चौबे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, हैज़ रिलीज्ड 12th एडिशन ऑफ एनालिटिकल रिपोर्ट ऑफ द नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2018। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2018 की विश्लेषणात्मक रिपोर्ट का 12वां संस्करण जारी किया है। एन इमरजेंसी एक्शन प्लान हैज बीन इम्प्लीमेंटेड इन द नेशनल कैपिटल टू कॉम्बैट एयर पोल्यूशन दैट हैज बिगन टू शो ए ट्रेंड टुवार्ड्स पुअर कैटेगरी। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैज प्रेडिक्टेड फर्दर फॉल इन द एयर क्वालिटी इंडेक्स इन द कमिंग डेज। राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण का मुकाबला करने के लिए एक आपातकालीन कार्य योजना लागू की गई है जो खराब श्रेणी की प्रवृत्ति को दिखाना शुरू कर दिया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आने वाले दिनों में वायु गुणवत्ता सूचकांक में और गिरावट की भविष्यवाणी की है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टेक्सटाइल्स अजय तामता इनोग्रेटेड द 46th एडिशन ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट IHGF दिल्ली फेयर एट इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट एट ग्रेटर नोएडा। केंद्रीय वस्त्र राज्य मंत्री अजय टमटा ने ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में दुनिया के सबसे बड़े IHGF दिल्ली मेले के 46वें संस्करण का उद्घाटन किया है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टेक्सटाइल अजय तांबा हैज स्टेट दैट द मिनिस्ट्री विल रिलीज 7.8 करोड़ रुपीज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए टेक्सटाइल टूरिज्म कॉम्प्लेक्स इन नोंगपो री भोई डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेघालय। कपड़ा राज्य मंत्री अजय टमटा ने यह घोषणा की है कि मंत्रालय मेघालय के री भोई जिले नोंगपो में एक वस्त्र पर्यटन परिसर के निर्माण के लिए 7.8 करोड़ रुपये का अनुदान देगा। इंटरनेशनल न्यूज अंतर्राष्ट्रीय समाचार। द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन CR चौधरी अटेंडेड द 6th RCEP इंटरनेशनल मिनिस्ट्रियल मीटिंग IMM इन सिंगापुर। वाणिज्य और उद्योग राज्य और उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री CR चौधरी ने सिंगापुर में 6वीं RCEP अंतर सत्रीय मंत्री स्तरीय बैठक IMM में भाग लिया है। इंडिया एंड चाइना हैव लॉन्च्ड देयर फर्स्ट जॉइंट प्रोग्राम फॉर अफगानिस्तान टू ट्रेन इट्स डिप्लोमेट्स। भारत और चीन ने अफगानिस्तान के लिए अपने राजनीतिज्ञों को प्रशिक्षित करने के लिए अपना पहला संयुक्त कार्यक्रम शुरू किया है। इंपॉर्टेंट डेज एंड द इंटरनेशनल डे ऑफ द रूरल वुमन इज ऑब्जर्व्ड ऑन 15th अक्टूबर। द डे रिकॉग्नाइज द क्यूरिशियल रोल ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन एंश्योरिंग द सस्टेनेबिलिटी ऑफ रूरल हाउसहोल्ड एंड कम्युनिटीज, इम्प्रूविंग रूरल लाइवलीहुड एंड ओवरऑल वेलबींग। दिस ईयर्स थीम इज सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज एंड सोशल प्रोटेक्शन फॉर जेंडर इक्वलिटी एंड द एम्पावरमेंट ऑफ रूरल वुमेन एंड गर्ल्स। 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है। यह दिवस ग्रामीण परिवारों और समुदाय की स्थिरता सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका और समग्र कल्याण में सुधार सुनिश्चित करने में महिलाओं और लड़कियों की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देता है।
इस वर्ष का विषय है सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज एंड सोशल प्रोटेक्शन फॉर जेंडर इक्वलिटी एंड द एम्पावरमेंट ऑफ रूरल वुमेन एंड गर्ल्स। राष्ट्रीय महिला किसान दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन 15th October in 2016, the ministry had decided to observe 15th October as RMKD, Rashtriya Mahila Kisan Divas, to recognize the contribution of women farmers in various aspects of agriculture, including sowing, planting, fertilizing, plant protection, harvesting, weeding, and storage. 15 October ko Rashtriya Mahila Kisan Divas manaya jata hai. 2016 mein mantralya ne 15 October ko RMKD ke roop mein कृषि के विभिन्न पहलुओं में बुआई, रोपण, उर्वरक, पौधा संरक्षण, कटाई, खरपतवार और भंडारण सहित कृषि पहलुओं के योगदान को चिन्हित करने का फैसला किया था। इकोनॉमी न्यूज वाणिज्य समाचार। इन्फ्लेशन बेस्ड होलसेल प्राइसेस रोज टू ए टू मंथ हाई ऑफ 5.13% इन सेप्टेम्बर, मेनली ड्यू टू द हार्डनिंग ऑफ फूड प्राइसेज एंड द राइज इन द कॉस्ट ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। द होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI बेस्ड इन्फ्लेशन स्टर्ड एट 4.53% इन अगस्त एंड 3.14% इन सेप्टेम्बर लास्ट ईयर। सितंबर में मुद्रा स्फीति आधारित थोक मूल्यों में मुख्य रूप से खाद्य कीमतों में दृढ़ीकरण होने और पेट्रोल और डीजल की लागत में वृद्धि के कारण दो महीने के उच्चतम 5.13% की वृद्धि हुई। थोक मूल्य सूचकांक WPI आधारित मुद्रा स्फीति अगस्त में 4.53% और पिछले वर्ष सितंबर में 3.14% थी। अवार्ड्स पुरस्कार। द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट सिक्किम वॉन द UN फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO फ्यूचर पॉलिसी अवार्ड 2018 फॉर बीइंग द वर्ल्ड्स फर्स्ट 100% ऑर्गेनिक स्टेट। द गोल्ड प्राइज ऑफ द फ्यूचर पॉलिसी अवार्ड 2018 आर आल्सो नोन एज ऑस्कर फॉर बेस्ट पॉलिसीज। उत्तर पूर्वी राज्य सिक्किम ने संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन FAO भविष्य नीति पुरस्कार 2018 के विश्व के पहले 100% कार्बनिक राज्य का जीता है। सिक्किम ने 25 देशों से 51 नामांकित नीतियों को हराया और भविष्य नीति पुरस्कार 2018 का स्वर्ण पुरस्कार जीता, जिसे सर्वश्रेष्ठ नीतियों के लिए ऑस्कर भी कहा जाता है। स्पोर्ट्स न्यूज खेल समाचार। इन हॉकी ग्रेट ब्रिटेन लिफ्टेड द 2018 सुल्तान ऑफ जोहर कप। इन जोहर बहरू मलेशिया ग्रेट ब्रिटेन डिफीटेड इंडिया इन द फाइनल। हॉकी में ग्रेट ब्रिटेन ने 2018 सुल्तान ऑफ जोहर कप जीत लिया है। मलेशिया के जोहर बहरू में ग्रेट ब्रिटेन ने फाइनल में भारत को हराया है। इंडियन टेनिस लीजेंड लिएंडर पेस हैज वोन हिज सेकंड चैलेंजर लेवल टाइटल ऑफ द सीजन लिफ्टिंग द सेंटो डोमिंगो ओपन ट्रॉफी विद पार्टनर मिगुएल एंगल रेयस वेरेला। भारतीय टेनिस लेजेंड लिएंडर पेस ने सीजन का अपना दूसरा चैलेंजर स्तरीय खिताब जीता है। उन्होंने सेंटो डोमिंगो ओपन ट्रॉफी का खिताब साथी मिगुएल एंजेल रेयस वेरेला के साथ जीता है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के मुख्य समाचार जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से, कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। यदि आपको हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो लाइक करें, जो भी आपकी क्वेरी है वो कमेंट करें। अनअकैडमी ऐप पर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें और यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।